हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पार्टस में आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सिक्सटी नाइन दादा साहेब फाल्के अवार्ड किन को दिया जाएगा वो हम जानेंगे पिछले साल के विनर को जानेंगे फर्स्ट विनर कौन थे कैश प्राइस कितना मिलता है सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं तो यहाँ पर देखो दो तस्वीर आपको दिख रही है एक तो ये है जो इस बार की विनर बनी है यानी इनको दो वर्ष के लिए अभी सम्मानित किया जा रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से एंड ए है हमारे दादा साहेब फाल्के जी ठीक है इनका नाम याद रखिएगा इनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा तो इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जिनको इस साल जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है उनका नाम क्या है वेटरन एक्टर हैं वाहिदा रहमान इनको जो है वर्ष दो के लिए अभी दो में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा याद रखिएगा 2023 में दिया जा रहा है लेकिन किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है 2021 के लिए किनको दिया जा रहा है वाहिदा रहमान को एंड ये अवार्ड जो है इंडियन सिनेमा जो है यहाँ का हाईएस्ट ऑनर है ये याद रखिएगा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इसकी अनाउंसमेंट की है कि इस बार जो है वाहदा रहमान को ये अवार्ड दिया जाएगा छब्बीस से क्या यानी आज ही किया है वैदर आयाम के अगर मैं बात करूं तो देखो पद्मश्री 1972 में इनको दिया जा चुका है पद्मभूषण मिल चुका है 2011 में इन्होंने डेब्यू किया था तेलुगु फिल्म से 1955 में इनकी फिल्म आई थी रोजुलु मराई याद रखिएगा एंड हिंदी सिनेमा में इन्होंने डेब्यू कब किया था तो देखो 1956 में इन्होंने डेब्यू किया था CID में ठीक है ये आपको पता होना चाहिए यहां पर हम आगे जा ये जो है इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर है जिस तरह से स्पोर्ट्स के फील्ड में भारत का हाईएस्ट ऑनर क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना तो यहाँ पर इंडियन सिनेमा का यह हाईएस्ट अवार्ड है 1969 में इसे स्थापित किया गया था यह जो इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है जो हमारे इंडियन सिनेमा के जिन्हें हम फादर बोलते हैं धूडीराज गोविंद फालके इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है अच्छा धूंढीराज गोविंद फालके कौन है इन्होंने डायरेक्ट किया था इंडिया का फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र कब इन्होंने किया था 1913 में याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी है वो एक कमेटी अपॉइंट करती है उन्हीं के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है एंड यहां पर देखो अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है गोल्डन लोटस दिया जाता है शॉल दिया जाता है एंड दस लाख का जो है कैश प्राइज दिया जाता है फर्स्ट रिसिपियंट की मैं बात करूं तो वो थी देविका रानी यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है देविका रानी 1969 में इनको ये अवार्ड दिया गया था सेकंड रिसिपियंट है वीरेंद्र नाथ सिरकर इनको जो है बंगाली मूवी में काम करते हैं करते थे तो उसके लिए अवार्ड दिया गया था नाइनटीन में एंड थर्ड रिस है पृथ्वीराज कपूर नाइनटीन में इनको सम्मानित किया गया था मरणोपरांत मरणोपरांत क्या बोलते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड अवॉर्ड सम, से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है पृथ्वीराज कपूर पहले व्यक्ति है ना एंड पृथ्वीराज कपूर की बात करूं तो इन्होंने काम किया देखो आलम आरा मूवी में 1931 में जो कि हमारी इंडिया की फर्स्ट टॉकी फिल्म थी ये भी आपको पता होना चाहिए आगे देखिए यहां पर आपके लिए एक प्रश्न है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन दादा साहेब फॉल्के अवार्ड मैंने पीछे ही बताया इनका नाम है देविका रानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा बात करें देविका रानी की तो देखो ये फर्स्ट विनर तो है ही दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली किस वर्ष में इनको सम्मानित किया गया था जब अवार्ड की शुरुआत हुई थी, थी 1969 में तभी इनको जो है सम्मानित किया गया था इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है एंड इनको जो है हम फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए एंड यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया था पीछे देखो एक और चीज है दो हजार तेईस तक देखो फिफ्टी थ्री अवॉर्ड टोटल हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है मरणोपरांत सिर्फ दो लोगों को मिला है पृथ्वीराज कपूर को 1971 में एंड विनोद खन्ना को मिला था 2017 में दादा साहेब फालके अवार्ड मरनो प्रांत के यहाँ पर बात हो रही है ठीक है अब है आपके लिए प्रश्न इन विच ईयर वॉज द दादा साहेब फालके अवार्ड गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार कब दिया गया था दादा साहेब फालके अवार्ड ऑप्शन है नाइनटीन फिफ्टी फोर नाइनटीन राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच पीडीएफ जो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका दे दूंगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो थैंक यू सो मच What?